वली, आपके पास जब भी पैसे आए आपने कहा कि मैंने घूमने फिरने पे ज़ाया कर दिए या इस्तेमाल इन्वेस्ट कर दिए। मैं कहूँगा इन्वेस्ट कर दिए। ये घूमना फिरना कितना इम्पोर्टेंट काम है ज़िंदगी के अंदर, उससे आपको फाइनेंशियली क्या बेनिफिट मिला? नहीं, फाइनेंशियली तो मैं नहीं कह सकता कि कोई खास बेनिफिट मिला हो, लेकिन ये कि ये अगर कोई आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक लर्निंग, लर्निंग में नहीं कह रहा कि आप स्कूल में दाखिला ले लो, कॉलेज में ले लो, यूनिवर्सिटी में नहीं। लर्निंग कोई भी, किसी का भी कोई कोर्स हो सकता है, कोई किसी का भी कोई कोई क्लास हो सकती है, कोई बुक हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। और लर्निंग जो है ये लाजमी है, क्योंकि लर्निंग आपके पास ऐसा एसेट होता है जो हमेशा आपके पास रहता है, किसी भी जगह पे आप उसको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी उससे आगे लेकर जा सकते हैं। और ट्रेवलिंग जो है, ये जो आपने कहा कि विजिट करना कंट्रीज़ को, ये तो मैं समझता हूँ अगर कोई किसी के पास, पाकिस्तान के अंदर भी तो आपने सफर किया था ना शुरू में, तो बहुत मैंने किया है, मैं अफगानिस्तान भी गया हूँ, वहाँ मैंने मैं जगह एक जगह आम सफर आदमी तो किया। पाकिस्तान के अंदर सफर कर ही सकता है ना, बहुत महंगा तो नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान के अंदर, हाँ तो एक आदमी कराची से स्वात घूमने जाता है तो हाँ उसको क्या हाँ फायदा होगा? उसको ये फायदा होगा कि उसका दिमाग चेंज हो जाएगा, उसका माइंड चेंज हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब पहले वो कराची में सोचता था कि दुनिया सारी जो है वो यहाँ पे यही धुआं है, यहाँ पे ये कचरा पड़ा होता है, ये इस तरह, मतलब है कि इस तरह के लोगों के माथे पे 12 बजे होते हैं, ठीक है, तो सारा कुछ यही सब कुछ है। जब वो सवाल जाएगा, वहाँ के लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका देखेगा, रास्ते में जो है वो लोगों से मिलेगा, हो सकता है कि कुछ लोगों से उसकी दोस्ती बन जाए, वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, और यही होता है ट्रेवलिंग में। मैंने जब देखा है ना, तो आपके दोस्त बहुत बनते हैं और लोगों से उनकी स्टोरी सुनने का मौका मिलता है। तो एक डिफरेंट लाइफ ऑफ वे जब वो देखेगा, तो उसको फिर समझ आएगा कि ये यहाँ पे जो हो रहा है वो उसमें गलत कितना है, सही कितना है, और ये जिंदगी बेसिकली है क्या चीज़, जो ये पूरा सर्कल है घूम रहा होता है, तो ये बेसिकली है क्या। तो उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, यानी कि उनका माइंड चेंज हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। पहले वो चीजें सोचते थे, अब जो है वो डिफरेंट सोचेंगे। और अगर इंटरनेशनल करते हैं सफर किसी और कंट्री का, तो उससे तो मैं कहता हूँ कि समझ लो कि जैसे आपने किसी को बॉक्स में बंद किया हुआ है और उससे निकाल दिया आपने, और बॉक्स से वो जब निकल आया तो उसने देखा कि और ये तो कुछ और है। इंटरनेशनल में तो इतना जो है चेंज आता है इंसान के अंदर, क्योंकि मैं जब बाहर गया था उससे पहले मैं यहाँ भी ये सोचता था कि यार इंसान को बदमाश होना चाहिए, सही, जिससे लोग डरे, यानी कि लोग उससे डरे, और इस तरह की मतलब है कि बदमाश टाइप का हर जगह पे वो हो, हर जगह उसका रोब चलता हो, ठीक है, और उसके पास ये। जब मैं बाहर गया, जब मैंने लोगों को देखा, और वो वहाँ पे बड़े से बड़ा बदमाश भी शरीफ होता है, यानी कि वो होता है चीज़ें, सब लोग ये इस कोशिश में होते हैं कि लाइफ को बेहतर कैसे करें, दूसरे की वो कैसे करें, अपना वो बिजनेस कैसे बढ़ाए। तो मेरे जहन में चेंज आया, 100% मेरे जहन में चेंज हुआ। मैंने कहा कि ये तो हम वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी सर।